कितनी थी जुड़वा में करिश्मा की फीस, किन फिल्मों के साथ काम कर चुके हैं डेविड और करिश्मा, क्या जुड़वा 3 में नजर आएंगे करिश्मा कपूर। सर से पाँव तक तो ढक लिया मेरे रूपा का रूप तो कहीं से नजर ही नहीं आता नहीं। साल 1997 में आई फिल्म जुड़वा का ये डायलॉग किसे याद नहीं होगा। फिर बॉक्स ऑफिस पर शानदार रही वही फिल्म में सलमान और करिश्मा कपूर की जोड़ी की बहुत खूब पसंद आई थी लोगों को। नीली आंखों वाली करिश्मा कपूर करिश्मा खानदान की पहली सफल हीरोइन जानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि साल 1991 में फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली करिश्मा कपूर ने फिल्म जुड़वा के लिए कितनी फीस चार्ज की थी। करिश्मा कपूर 90s के दशक में सबसे फेमस एक्ट्रेस थी। फिल्म जुड़वा से पहले भी उनकी काफी फिल्में रिलीज हुई थी जिन्होंने रातों रात करिश्मा को स्टार बना दिया था। तो बात करते हैं फिल्म जुड़वा में करिश्मा की फीस की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए करिश्मा ने 10-15 लाख रुपीज कमाए थे उस टाइम में। फिल्म में करिश्मा राजा की माशूका माला का रोल नजर आई थी और उन्होंने फिल्म में अपने ग्लैमर का तड़का बखूबी लगाया था। डेविड धवन 90s के बहुत ही बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर है। 90s के दशक में उन्होंने एक साथ बढ़ के एक से एक मूवी हिट दी। अगर बात करें डेविड की फिल्मों की तो उनकी ज्यादातर फिल्मों में करिश्मा कपूर ने ही काम किया था। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो फिल्में हैं। साल 1994 में आई राजा बाबू में पहली बार करिश्मा ने डायरेक्टर डेविड धवन के साथ काम किया था। उसके बाद कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, बीवी नंबर 1 और दुल्हन हम ले जाएंगे जैसे फिल्मों में करिश्मा कपूर ने डेविड धवन की फिल्म में बेहतरीन लीड एक्ट्रेस का काम किया था। करिश्मा आज के टाइम में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 90s के दशक में एक जाना माना नाम करिश्मा कपूर का था। फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखने के बावजूद भी करिश्मा अपने फैंस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती है। उनके फैंस आज भी उनकी फिल्मों में देखने के लिए काफी उतावले रहते हैं और अब जब जुड़वा 3 के बनने का न्यूज आ गया है तो ऑडियंस एकदम पागल हो जा रहे है कि खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। अब करिश्मा फिल्म में नजर आती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या करिश्मा कपूर नजर आएगी फिल्म में? क्या फैंस देखना पसंद करेंगे फिल्म में करिश्मा का जादू? इस पर अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।